प्रश्नावली 7.2 के कल 3 सवाल हो गए थे ना, आज पहला क्लास देखिए बुड्ढो देख रहे हैं यहाँ नहीं किताबें दी है तो एक समधि बाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये जो बराबर में इसका चित्र दिया है ये इसका चित्र नहीं है, धोखा मत खाइए, ठीक है। चित्र आपको इसमें खुद ही बनाना पड़ेगा। क्या क्या कह रहा है, ज्ञात है, मैं ज्ञात है लिखता जाता हूँ, चित्र बनाता जाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके आधार पर ये हमसे सवाल हल कर पा रहा है। एक समधि बाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी में एक इन्फॉर्मेशन तो पक्की है कि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी। फटाफट एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई वाला ले लेंगे जो सेट स्क्वायर इसके दो भुजाएं बराबर ऐसे रखेंगे उसको ए बी सी ए बी बराबर। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, मैं कई बार बता चुका हूँ समद्विभाजक का क्या मतलब, दो बराबर में भागों में बांटने वाली रेखा, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, यानी कोण बी को जो रेखा बराबर कोणों में बांट रही है और कोण सी को जो बराबर में बांट रही है वो ये है, ये दोनों एक दूसरे को मिलती है जाकर यहाँ ऊपर तवाने से खींचेंगे सीधी, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दो कोण आपस में, तो आपके पास क्या दिया है कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक बी को तथा ओसी है। अब क्या करना है हमें, ए और ओ को जोड़ना है, बी और ओसी समद्विभाजक है और जोड़ना है हमें इन्हें जोड़ना, ठीक है। ए ओ को दो रेखा, ये वाली बात इससे सब में जाता है, क्या सिद्ध करना है दर्शाइए कि मतलब का मतलब यही होता है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ जो है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है ए ओ कोण ए को क्या करता है ये हमारे पास पूरा प्रश्न। चलिए करते हैं शुरुआत, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में हम जानते हैं कि ये इसको समद्विभाजक है, कोण ए बी को बराबर कोण ओ बी सी बराबर आधा होगा कोण ए बी, ऐसे ही कोण ए सी को बराबर कोण ओ सी बी बराबर आधा होगा कोण ए सी, कैसे ये समद्विभाजक किसका इस कोण का, तो कोण बराबर बटा दो भागों में दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, इस कोण का नाम क्या होगा ए बी ओ और इसका नाम क्या होगा ओ बी सी, दोनों आपस बराबर होंगे वही लिखा है ए बी ओ बराबर होंगे, और ये दोनों कोण इस पूरे कोण के कैसे होंगे आधे होंगे, क्योंकि पूरे कोण के आधे आधे तो बढ़ेगा दो भागों में, ये बराबर होगा ए बी सी के आधे, ये वाली बात क्लियर हो गई। ऐसे ही ये वाली भुजा इस कोण को दो भागों में बांट रही है, तो ओ बी ओ सी बराबर ओ सी ए बराबर आधा कोण बी सी, ये ए सी ओ बराबर ओ सी बी बराबर आधा कोण ए सी, समझ आई बात, या आप ऐसे समझ लो ये भी कोण एक्स है तो ये भी, ये कोण वाई है, मैं स्टैंडर्ड तरीके से करा रहा हूं, और अगर इस तरीके से नहीं करना जिसको नहीं समझ में आती वाली भाषा तो आप इस तरह से करो, तो ये कोण भाजक है तो दोनों कोण आपस में बराबर है। चलिए अब देखते हैं क्योंकि, अच्छा इसका कारण क्या है, ओ ए तथा ओ सी कोण ए व
कोण सी के क्या है? समद्विभाजक। इसलिए हमने ये वाली कहानी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है बिल्कुल। अब क्योंकि आपको मालूम है ए बी बराबर ए सी, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो फिर मैं तो हमने पढ़ी थी किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं। तो ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इस ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी। और ए बी के सामने कौन सा कोण है? तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी। ठीक है, क्यों बराबर भुजाओं के ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि B कितना था? 2 बाई C कितना था? 2 बाई और B कितना था? 2 है। तो Y किसके बराबर आ गया? कोई दिक्कत? चाहो तो इसके पीछे कोण लगा लो, कोण का निशान भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। 2 कोण X बराबर 2 कोण Y, तो कोण X बराबर कोण Y। ये जो निशान है कोण का, कभी आप समझो ये कोई गिनती है। ठीक है, तो किसी कोण का जब नाम लिखते हैं तो उसके पीछे ये वाला निशान बना देते हैं, इससे पता लग जाता है कोण का नाम लिखा हुआ है। वही मैंने यहाँ पर कोई समझते हैं यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बताओ, समझ में यहाँ तक नहीं आया होगा तो आगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए हमें करना है ये वाला ओ बी बराबर ओ सी, ये तो हो गया। इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये कोण इसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। हाँ। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा इसके सामने OC बराबर इसके सामने हो गया नहीं? एक तरीका तो ये इसको करने, दूसरा तरीका क्या है, ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में इनमें झांको क्या क्या चीजें। इसमें हम देख रहे हैं AO बराबर AO, क्यों दोनों ही त्रिभुजों में स्थित है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ये वाली भुजा इस वाले इसमें भी है और इसमें। अच्छा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर दी है, है ना? तो ए बी किसके बराबर है? समझ में आ गया? थोड़ा कॉमा लगा, चलिए